IVM आपने आपकी दो किताबें हैं, एक आपने तियानमेन स्क्वायर पे लिखी है, दूसरी आफ्टर तियानमेन द राइज ऑफ चाइना। तो आपने उन दोनों को ये तियानमेन स्क्वायर के आसपास क्यों, मतलब आप एक तरीके से तियानमेन स्क्वायर को एक पिविटल मोमेंट की तरह देख रहे हैं, तो इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये प्रोटेस्ट या ये इंसिडेंट और उसके बाद जो चीजें हुई वो चाइना के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? हाँ, ये देखिए, थियनानमन इंसिडेंट ऑफ 1989 इज अ सेमिनल मोमेंट इन चाइनाज रीसेंट पॉलिटिक्स फॉर टू रीजंस। एक तो उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि जो उन्होंने काम किया था 1949-50 में टू लिबरेट चाइना, टू एंड फ्यूडलिज्म, टू ब्रिंग इक्वालिटी, वो जो उनको लेजिटिमेसी मिली थी 30 साल के लिए शासन करने का, वो अभी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। पीपल वांट इकोनॉमिक प्रोग्रेस, दे वांट स्टेबल लाइव्स, दे वांट अ बेटर लाइफ। तो द थियनानमन इंसिडेंट एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं था, हालांकि वेस्ट कहता है कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट था। अलग अलग विषयों पे लोग स्ट्रीट्स पे आ गए डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। बेरोजगारी थी, महंगाई बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन था, हाउसिंग प्रॉब्लम्स वर देयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज वर देयर। तो अलग अलग अन्य अन्य विषयों पे वो आके डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने शुरू किया। द रिजल्ट वॉज द चाइनीज स्टेट फाइनली रियलाइज कि अब इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना ही पड़ेगा अगर कम्युनिस्ट पार्टी को पावर में रहना हो तो, क्योंकि टू क्लेम दैट वी लिबरेटेड यू देयरफॉर वी शुड बी इन पावर, वेरी सिमिलर टू व्हाट द कांग्रेस पार्टी डिड इन इंडिया, दे रूल्ड फॉर 40 इयर्स ऑन द ग्राउंड्स दैट दे हैड लिबरेटेड द कंट्री। वो समय खत्म हो गया 1990, इन आयरोनिकली दोनों के लिए, हमारे लिए भी। द रिफॉर्म्स ऑफ 1991 वर बिकॉज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज्ड यू कैन नॉट गो ऑन क्लेमिंग लिबरेशन इन 1947 एज अ लेजिटिमेसी टू कंटिन्यू रूलिंग इन 1990। तो एक तरह, बट देयर वाज अ सेकंड रीजन व्हाई थियानानमेन इज इंपॉर्टेंट। द कम्युनिस्ट पार्टी ने ये समझ लिया था कि क्योंकि सोवियत यूनियन को खत्म कर दिया गया था और सोवियत यूनियन हैड कोलैप्स्ड, दैट द नेक्स्ट टारगेट वुड बी द चाइनीज स्टेट। तो इसलिए एक तरह से एक पैरानोइक रिएक्शन शुरू हुआ कि द अमेरिकन्स एंड द वेस्ट आर आउट टू गेट अस, एंड देयरफॉर ये जो दोनों एक कॉम्बिनेशन था, अ फियर ऑफ पॉलिटिकल सबवर्जन एंड द नीड टू गेन पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, इसकी वजह से पोस्ट थियनानमन सिचुएशन में ये रिफॉर्म्स शुरू हुए। एंड द रीजन वाज टू फोल्ड, वन टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, एंड टू टू बिल्ड अप द इकोनॉमी सच दैट 20-30 साल के बाद, 30 साल के बाद अमेरिका और वेस्ट उनको थ्रेट नहीं कर सकेगा। ये दोनों थे, और इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आज भी यही एक एक सबकॉन्शियस में यही एक प्रॉब्लम है जो चीन समझता है उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये है कि आज भी वो समझता है कि द वेस्ट इज डिटरमिंड टू डिस्ट्रॉय द लेजिटिमेसी ऑफ द पार्टी बाय सबवर्टिंग द पीपल एंड सेपरेटिंग द पीपल फ्रॉम द पार्टी। इसलिए थियानानमन इतना जरूरी है। और ये थियानानमन इंसिडेंट ऑफ 1989 इज नॉट अ हिस्टोरिकल इशू, इट इज करंट पॉलिटिक्स। हम आज के पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाएंगे, चीन के पॉलिटिक्स को, अगर हम उस इंसिडेंट को नजरअंदाज करें। तो ये सारी ग्रेट फायरवॉल वगैरह वो सब उस डर से है कि वेस्ट जो है हमारे लोगों को इन्फ्लुएंस ना कर ले। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बना रहा है शी जिनपिंग, जो जो साइबर लॉज टाइटन किए हैं उन्होंने, नेशनल सिक्योरिटी लॉज टाइटन किए हैं, फायरवॉल्स ही इज बिल्ट फायरवॉल्स, ये सारा कुछ जो अरेंजमेंट है, इट इज बेसिकली नाउ टू हार्डन द स्टेट इन व्हाट इज इन देयर व्यू अ कमिंग कॉन्फ्लिक्ट विद यूनाइटेड स्टेट्स। कॉन्फ्लिक्ट से मैं ये शब्द से मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो लड़ाई करेंगे, बट देर इज नो डाउट देर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट। देर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट इन द साइबर डोमेन, देर विल बी कॉन्फ्लिक्ट इन द बोर्ड रूम, इन द निगोशिएटिंग टेबल, देर विल बी एंड देर मे इवन बी फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट, बट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट।
एक तरह से चल ही रहा है ना, चिप वॉर्स वगैरह जिसको बोलते हैं, एक एक डोमेन में तो शुरू कर ही दिया है। नहीं, मेरे ख्याल में बहुत सारे डोमेन्स में शुरू हुआ है, आइडियोलॉजिकल डोमेन में तो हो ही गया है। देखिए, 20th सेंचुरी की खासियत क्या थी? 20th सेंचुरी की खासियत ये थी कि 1990 में वेस्ट ने दुनिया को कहा, विश्व को कहा कि डेमोक्रेसी हैज डिफीटेड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस, राइट? द मोनार्की, द फैशिस्ट गवर्नमेंट एंड द कम्युनिस्ट्स, दे हैड डिफीटेड ऑल थ्री, एंड वो जो दैट एंड ऑफ देयरफॉर, हिस्ट्री था हाँ, बेसिकली। देयरफॉर हाँ द ह्यूमन प्रोग्रेस वाज डिपेंडेंट ऑन डेमोक्रेसी। और अब 2015 में चीन कहता है कि मेरे पास तो डेमोक्रेसी है नहीं, मैंने आपको प्रोग्रेस दिया कि नहीं दिया, और मैंने डेमोक्रेसी से बेहतर प्रोग्रेस आपको दिया है, तो कौन कहता है कि डेमोक्रेसी इज द राइट मींस? सो देयर इज एन द आइडियोलॉजिकल बैटल इज अंडरवे फॉर अ लॉन्ग टाइम। IVM